हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का सेकंड प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कीनर। यह कथन स्कीनर का है। और स्कीनर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। घोड़े की तस्वीर एक प्रकार का, ऑप्शन आपके सामने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक उद्दीपक है। ठीक है, जो घोड़े की तस्वीर है वो एक प्रकार का प्रतीकात्मक उद्दीपक है। अगला प्रश्न, अधिगम के मुख्य नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रमुख नियम कितने थे? तीन नियमों का प्रतिपादन किया। पहला कौन सा था? तत्परता का नियम, दूसरा परिणाम या प्रभाव का नियम, और तीसरा अभ्यास का नियम। आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य तीन नियम दिए थे, जो मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शब्द वाचन पहेली को हल करना गणितीय समस्याओं के समाधान निम्न में से किस विधि में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, प्रयास एवं त्रुटि विधि में। ठीक है, इस विधि के अनुसार क्या किया जाता है? बालक किसी कार्य को संपन्न करने का प्रयास करता है और उसी दौरान जो त्रुटियां होती हैं उनको वह पुनः प्रयास करके और अंततः उन त्रुटियों को सफलतापूर्वक सही कर लेता है। तो उसे हम किस विधि में रखेंगे? प्रयास एवं त्रुटि के। अगला प्रश्न, विनिमय या समग्रता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस्टालवादियों द्वारा। ठीक है, गैस्टालवादियों द्वारा विनिमय या समग्रता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अब गैस्टालवाद में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? तो ये संबंधित है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में। और इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक हैं मैक्स और बर्दीमर। CH जुड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जुड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है? इस प्रकार का सिद्धांत बालक को गणित सीखने तथा लाभ हानि प्रतिशत के नियमों में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? सामान्यीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आंशिक पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतत पुनर्वलन। ठीक है, सतत पुनर्वलन आंशिक पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो पुनर्वलन कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक अवस्था की आयु है जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नैतिक यथार्थता शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे द्वारा नैतिक यथार्थता शब्द का प्रयोग किया गया था। नैतिक यथार्थता को नैतिकता या विषम नैतिकता भी कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था को नैतिकता एवं विषम नैतिकता भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न स्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरोटिक, भय और चिंता से मुक्त। ठीक है, न्यूरोटिक और चिंता से मुक्त अवस्था या स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुत ही सरल प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आइजेंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बाह्य प्रेरणा अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
अपने आप में एक अंत है, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा क्या है? अपने आप में एक अंत है। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर अच्छाद रखता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दबाव। ठीक है, ऑप्शन डी दबाव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए ऑप्शन सी, समस्या आवश्यक है। अगर समस्या होगी तो चिंतन अपने आप ही प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? आपको याद रखना है कि नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वस्थ वातावरण। ठीक है, यह पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो सही जवाब है हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरस्कार। पुरस्कार वह प्रेरक है जो हम अर्जित करते हैं, किसी काम को करते हैं पूरी निष्ठा के साथ कि हम इसमें सफल होंगे तो हमको पुरस्कार मिलेगा। उसी प्रकार आपको पूरी निष्ठा और लगन के साथ रीट की तैयारी करनी है, अगर आप उसमें क्वालिफाई होंगे फिर आगे आप भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे, उसी वही आपका पुरस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अधिगम रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, यानी कि अधिगम सृजनात्मकता एवं विवेकपूर्ण होता है। आज की वीडियो का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक। ठीक है, अब ये किसकी परिभाषा है? ये रॉस ने परिभाषा दी है चिंतन के बारे में, तो इनका कहना है कि चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पक्ष है, या फिर चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, ये परिभाषा आपको याद रखनी है, किसने प्रस्तुत की थी? रॉस ने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही लाइक बिल्कुल मिस ना करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।